मेटाबॉलिक एनकेफेलोपैथी नाम की जो बीमारी है कि जिसमें मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, स्पेशली जब किडनी का प्रॉब्लम होता है तो उसमें मानसिक रूप से तकलीफ होती रहती है, तो उसके बारे में मैं आपसे आज बातचीत करने वाला हूँ। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकास सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन हमसे करते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन करके लोग अपना इलाज कर लेते हैं, खुद पेशेंट को लेके आते हैं हमारे यहाँ और एडमिट करके उनका इलाज करते हैं। हम रिश्तेदारों के साथ में रिश्तेदारों के अलावा पेशेंट लोगों को भर्ती करते हैं। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, ये हमारा संकल्प है, ये हमारा मिशन है। तो ये जो पेशेंट मैं बताने वाला हूँ, ये इन्होंने मेरे पास में पेशेंट इसलिए लाई कि वो चिड़चिड़ापन कर रही है, बहुत इरिटेबल है, नींद नहीं आ रही है, बहुत ऐसी बहकी बहकी बातें भी कर रही है और आँख के ऊपर थोड़ा सा सूजन भी उसको लग रही है और जी मचलाना, खाना नहीं बराबर खाना, भूख नहीं लगना, ऐसा पिछले 8-7-8 दिन से इसको हो रहा था। तो मैंने जब उसको देख लिया तो लगा कि भाई ये कोई सिर्फ मानसिक प्रॉब्लम नहीं है, इसको कुछ ना कुछ और शारीरिक प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लक्षण दिखते हैं मानसिक, इसलिए लोग मेरे पास में लेके आते कि भाई बेकी बेकी बातें करना, नींद नहीं आना, मगर उसको एक्चुअली रहता है शारीरिक प्रॉब्लम, ब्लड का प्रॉब्लम रहता है, मेटाबॉलिज्म उसका अफेक्टेड रहता है। तो उसको फिर हमने एडमिट किया, उसको एडमिट करके उसका इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें सोडियम जो है मतलब नमक ब्लड में बहुत कम निकला, पोटेशियम जो रहता है ब्लड में तो वो पोटेशियम का लेवल बहुत कम निकला, क्रिएटिनिन बढ़ चुका था और उसका थायराइड ग्लैंड जो है वो कम काम कर रहा था, उसको हाइपोथायराइडिज्म भी निकला। तो ऐसे उसको काफ़ी बीमारियाँ निकली, उसको हमने एडमिट करके उसका इलाज किया और अभी देखिए काफ़ी उसमें फ़र्क पड़ा हुआ है। देखिए पेशेंट क्या बोलता है। तो उल्टी हुई थी, सूजन आई थी, उल्टी हो रही थी, सूजन आ रही थी और खाना नहीं खा रही थी, खाना नहीं खा रही थी, थोड़ा बहकी बहकी बातें करना है ना, और आंख पे सूजन आ गई थी और चिड़चिड़ापन था और नींद नहीं आ रही थी। नींद पानी पीना, नींद अभी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद फायदा हो गया? फायदा हो गया, फायदा हो गया। क्या हो गया फायदा? अभी सूजन कमी हो गई, सूजन कम हो गई, अनाज अभी पच रहा है। ठीक है, गुड। खाना खा रही, खाना भी खा रही है। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो ताकि लोगों के मन में जो है कि नहीं नहीं ये बहकी बहकी बातें कर रही है, मतलब ये पागली हो गई, तो ऐसा कुछ रहता नहीं है, इसको इन्वेस्टिगेट करके देखना भी पड़ता है कि कोई और बीमारी है क्या, जिसका पागलपन ऐसा बाहर से दिखने लगता है अपने, क्योंकि दिखता है पागलपन मतलब है मगर बॉडीली। जैसा ये पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम था और इसको थायराइड का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से उसको मानसिक लक्षण दिख रहे थे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।